आजकल के लड़के या लड़कियां जिनको आजकल कारोबार नहीं मिल रहा, जॉब्स नहीं मिल रही, वो लोग जो घर बैठे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं, कोई भी कारोबार करना चाहते हैं विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों मॉडल्स, या ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। जो मेरी लास्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड जॉब थी, डेट वॉज लॉजिस्टिक मैनेजर, तो मैंने वहाँ पे 13 साल जॉब की है। हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं, उसमें सबसे नंबर एक पे ऑनलाइन लर्निंग है। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको मल्टीपल स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, जिसमें हम दराज है, फेसबुक कॉमर्स है, फेसबुक कॉमर्स साथ GBO भी है, हमारा अपना इदारा है नेक्स्ट सॉल्यूशन के नाम से, वहाँ पे हम कोर्सेज करवा रहे हैं। अगर आपका शौक यूट्यूबर बनना है तो हम उसके लिए भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजीन, आपके मेज़बान तैयबा वानर, आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजीन, आज का मेरा प्रोग्राम कुछ बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और आपका फ्यूचर जो है ये रोशन करने वाला है। आप लोग भी हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्या लेकर आई हूँ आज के प्रोग्राम में कि जिससे आप लोगों का रोशन मुस्तकबिल हो सकता है। आजकल के लड़के या लड़कियाँ जिनको आजकल कारोबार नहीं मिल रहा, जॉब्स नहीं मिल रही, इतनी इतनी एजुकेशन के बाद भी वो घर पर फ्री बैठे हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जी नाजीन, आज हमारे साथ इशफाक मुश्ताक मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे कि आप लोग अपना मुस्तकबिल कैसे रोशन कर सकते हैं और आपने जो तालीम हासिल की हुई है, जो एजुकेशन हासिल करके आप घर में बैठे हैं, चार दीवारी में बंद होकर बैठे हैं, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है और आगे हमारे आने वाला फ्यूचर क्या है। उसके अलावा मैं आपको इशफाक साहब का बताती चलूं। इशफाक साहब वो हैं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ी जस्ट आप जैसे लोगों के लिए, ताकि वो आप लोगों को रोजगार दे सकें, आप लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकें। जब दूसरों के बारे में इतना सोच सकते हैं, वो आज क्या कर रहे हैं, किस स्टेज पे हैं, लाइफस्टाइल उनका क्या है, ये सारी बातें हमारे आज का प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इस प्रोग्राम को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको मिस कर देंगे तो शायद आप लोग अपने रोशन मुस्तकबिल से महरूम रह जाए। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं इशफाक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया उन व्यूवर्स को कि जिन्होंने काफी ज्यादा एजुकेशन हासिल की हुई है और वो घर चार दीवारी में बैठे हैं, आज हम उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे डेली धरती देखने वाले व्यूवर्स को बताइएगा कि आप क्या जॉब करते थे और वो जॉब छोड़ी क्यों आपने? वैसे तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा जॉब स्विचिंग नहीं की है। जो मेरी लास्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड जॉब थी, डेट वाज लॉजिस्टिक मैनेजर। ओके, मैं एक प्राइवेट कंपनी में सर्विस प्रोवाइड कर रहा था इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, उनकी जो लॉजिस्टिक्स कंटेनर मूवमेंट वगैरह थी उसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही थे और उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते थे और मैं उसको लीड कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे 13 साल जॉब की है एंड आई वाज एंजॉयिंग द गुड पर्क्स, अच्छे बेनिफिट्स थे, अच्छी सैलरी थी और काफ़ी उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी की, पार्ट टाइम अर्निंग्स वगैरह के भी मेथड डिस्कवर किए थे, जिससे मेरा जो रोज़गार का जो आमदन थे रोज़गार थे वो बढ़ चुके थे। मैंने उनको फिर बिजनेसिस में लगाना शुरू किया, लाइक मैंने रियल इस्टेट का काम किया, मेरे दो ऑफिसिस भी रहे हैं और इसके साथ साथ मैंने गाड़ियों का भी काम। इशफाक साहब, आपने इतने काम किए हुए हैं, इतना माशाल्लाह आपने अपनी स्किल्स जो हैं वो बिल्डअप की हुई हैं, लेकिन आप उन सबको छोड़ के आज दूसरों के बारे में जब सोचा, इसका आइडिया कैसे आया, कितना अरसा पहले आपने अपना ये काम स्टार्ट किया, तो आप हमें ये भी बताएं कि आप इस टाइम कर क्या रहे हैं? अच्छा, सब कुछ छोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे आना, इसका जो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो इसी नाम पे मौजूद है, ग्रो पाकिस्तान। लेकिन ये ग्रो पाकिस्तान है क्या और ये ग्रो पाकिस्तान ही क्यों इसका नाम रखा गया? अच्छा, ये ग्रो पाकिस्तान है क्या और इसका नाम क्यों रखा गया, इसके क्या मकासद हैं, इसके बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं और मेरे मेंटोर, मेरे बड़े भाई शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब, हम काफ़ी अरसे से मशावरत कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जहां पर हम पाकिस्तान का मुसब्बत चेहरा और पाकिस्तानियों की ग्रोथ, जो कि पाकिस्तानियों की ग्रोथ ही पाकिस्तान की ग्रोथ है, इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि तैयबा ने या इशफाक ने अगर 10 रुपये कमा लिए हैं तो वो सिर्फ मेरी जेब में जा रहे हैं, उसका पाकिस्तान को भी फायदा हो रहा है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दें, कहते हैं जी फॉरन रेमिटेंस जो है, जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो अपने घरों में जो पैसे भेजते हैं वो बैंकिंग चैनल से भेजें, जो डॉलर्स का इनफ्लो पाकिस्तान में आएगा उससे पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट को वो पैसे नहीं मिल रहे, वो तो अपने घर वालों को भेज रहे हैं। इसी तरीके से हमारी कमाई की जो आमदन है वो पाकिस्तान की मीशत को मजबूत करती है। हम पाकिस्तानी वो लोग जो घर बैठे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं, कोई भी कारोबार करना चाहते हैं विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों मॉडल्स, या ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं वो कैसे करें, कैसे घर बैठे ख़वातीन या लड़के बच्चे बच्चियां वो कैसे काम कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और इसका मकसद ही सिर्फ आवाम की और पाकिस्तान की ग्रोथ था।
लेकिन आज आपने जो ग्रो पाकिस्तान किया हुआ है इसमें आप जो दूसरे लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं जो कि जॉब से महरूम है, कारोबार नहीं है, वो जितना अपना उन्होंने अपनी तालीम पे लगाया है वो उतना उसको अपनी तालीम को उसमें फायदा नहीं पहुंचा रहे, वो घर में बैठे हुए बहुत परेशान है। तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि आप जो इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं इनके लिए, जो आपने अच्छी खासी जॉब छोड़ी है, वो वर्किंग बेसिक क्या है, हम इन ऑडियंस को, इन लड़के लड़कियों को क्या सिखा रहे हैं और आगे मजीद हम इनको क्या सिखाना चाहते हैं ताकि हम इनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन कर सकें। देखिए जी, हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं, उसमें सबसे नंबर एक पे ऑनलाइन लर्निंग है। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। एक स्किल, आपको मल्टीपल स्किल सिखाई जा सकती हैं, जिसमें हम दराज है, फेसबुक कॉमर्स है, फेसबुक कॉमर्स साथ जी बी ओ भी है, अपने नाम सुना होगा शहजादा मिर्ज़ा साहब इसको करवा रहे हैं, हमारा अपना इदारा है नेक्स्ट सॉल्यूशन के नाम से, वहाँ पे हम कोर्सेज करवा रहे हैं। ग्रो पाकिस्तान पे भी हम उसी इन चीज़ों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को उनको गाइड कर रहे होते हैं, साथ साथ हम डिफरेंट बिजनेस पॉइंट पर जाके लोगों को उनकी मालूम फराहम कर रहे हैं कि आप ये कारोबार ऐसे करें, इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतने पैसे कमा सकते हैं। उनमें से बहुत से कारोबार ऐसे हैं जिनके लिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, यानी कि कारोबार करने वाला जहन है तो वो कारोबार की वीडियोज़ देखे, उनसे मुतासर होकर काम करें। अगर वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उससे भी वो सीख के कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका शौक यूट्यूबर बनना है तो हम उसके लिए भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं कि आप हमारे इदारे में आएँ, हम आपको यूट्यूब ऑपरेट करना सिखाएंगे, आपको होस्टिंग सिखाएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि कैमरा ऑपरेट कैसे किया जाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जिसकी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डिमांड है, वो है एडिटिंग स्किल। हम आपकी एडिटिंग स्किल्स को पॉलिश करेंगे, आपको इतने काबिल बना देंगे कि आप किसी भी किस्म की वीडियो को एडिट कर सकेंगे, चाहे वो ग्रीन स्क्रीन की हो, वो जनरल वीडियो हो, उसको एडिटिंग करने के बाद अच्छा खासा आप रोजगार घर बैठे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे जॉब करने की जरूरत भी नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग्स देने के बाद, इस इंटर्नशिप के बाद, आप उन लोगों को जॉब भी ऑफर करते हैं? उनको हम जॉब ऑफर करते हैं अगर वो रिसोर्स विलिंग है, हम उनके काम से खुश हैं और वो हमारे टर्म्स पे पूरा उतरते हैं, हमारे काम को समझते हैं, तो हम जॉब ऑफर कंफर्म करते हैं। बट अगर वो जॉब ऑफर नहीं करते या वो इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो जाके अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं या उसके अलावा वो किसी और चैनल पे जाके अप्लाई करके अपनी जॉब कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी बात होगी कि आपको व्यूवर्स, आपको इस बारे में क्या समझ आई है, अगर कोई भी सवाल है तो डेली धरती के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो हम इशफाक साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि यूट्यूब बेसिक है क्या, यूट्यूब को किस तरह जो है वो एक्टिव किया जा सकता है, यूट्यूब पर किस तरह वर्क किया जा सकता है और अपना फ्यूचर किस तरह ब्राइट किया जा सकता है? यूट्यूब को अगर एज अ फ्यूचर देखा जाए तो वो उसमें सब लोग कामयाब नहीं होते, वो इसलिए कि सबसे पहले जो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे या टिकटॉक पे मौजूद है, वो लोगों को ये सिखा रहे हैं कि यूट्यूब पे कामयाबी का तरीका कि आप मेहनत नहीं करनी, हालांकि बगैर मेहनत के आपको फल नहीं मिलने वाला। ट्रिक्स क्या बताए जाते हैं कि आप वहाँ से कंटेंट चोरी करें, अपने चैनल पर लगा दें, हमारी ग्रो पाकिस्तान की अपनी वीडियोज़ और मुमकिन है आपके चैनल की भी वीडियोज़ काफ़ी लोगों ने डाउनलोड करके टिकटॉक पे लगाई होंगी, या उसके क्लिप्स काट के उसको फ्लिप करके किसी न किसी तरीके से उसको अपने ही चैनल पे लगाया होगा। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत किए बगैर आप कैसे फल पा सकते हैं, इसे इसको जाने। अब आपने कॉन्टेंट क्रिएट करना है, उसके लिए आपके पास अच्छे आइडियाज़ होने चाहिए, वो वीडियो देखने वाला जो बंदा होगा उसको कुछ वहाँ से मिलना चाहिए। आप किस किस्म का कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो व्लॉगिंग है, उसके ऊपर और किस्म के ऐड चलेंगे, वो टैक्स से रिलेटेड है, वो ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड है, वो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसा कंटेंट होगा उसी कंटेंट के ऊपर वैसे ही ऐड चलेंगे, वो सस्ते भी हो सकते हैं, महंगे भी हो सकते हैं। अगर महंगा कंटेंट आपका होगा उसके ऊपर महंगे ऐड चलेंगे और उससे आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा, मतलब उससे हम लोग जो है अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, किसी के कंटेंट के ऊपर आप कभी भी जो है ना कामयाबी नहीं पा सकते, आपको अपने कंटेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा इशफाक साहब, लास्ट मैसेज हम अपने व्यूअर्स के लिए, कोई मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या लास्ट मैसेज उनके लिए हो जिससे वो है सारी जिंदगी आपको, मुझे और डेली धरती पर लगे हुए इस प्रोग्राम को हमेशा याद करें और हमें दुआ में याद रखें। एक शॉर्ट सा मैसेज जो कि मैंने कुछ अर्सा पहले सीखा और मैं इससे बहुत इंस्पायर हुआ, वो ये चीज़ ये है आप सब के लिए और हम सब के लिए है कि अगर आप दुनिया में और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो अपने आप को मुफीद बना लें तमाम आवाम के लिए। अगर आप अपने आप को मुफीद बना लेंगे कि आपसे आपकी ऑडियंस को, आपके महल्लेदारों को, आपके घर वालों को, आपकी कम्यूनिटी को, आपके सोशल सर्कल को फ़ायदा हो, जाहिर बात है ये सारे पाकिस्तानी हैं, तो ये पाकिस्तान की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करेगा और पैसे आपके पास आने ही आने, पैसे आपको आ जाएंगे, बस अपने आप को मुफीद बना लें।
शिवाज साहब, कितने लोग जो है आपसे ट्रेनिंग ले चुके हैं और कितने लोग जो है आज अपना कामयाब बिजनेस जो है वो उसको चला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने आसान बनाया? ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो हासिल कर चुके हैं यूट्यूब चैनल से वो तो हज़ारों में हैं, बट जो यहाँ पर आके सीख चुके हैं वो 15 से ज़ायद लोग हैं जो यहाँ से जाके अपने कुछ चैनल स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ लोग अपनी जॉब वगैरह कर सकें। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ इशफाक साहब मौजूद थे। इनकी कहानी के बारे में आपने जाना, YouTube क्या है, YouTube से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, YouTube पे हमें किस तरह मेहनत की जा सकती है, और इन्होंने अगर आप लोगों के लिए अपनी अच्छी जॉब छोड़ी है कि आप लोग अपना कुछ बने, तो इस ऑफर को जो है आप लोग बिल्कुल भी रद्द ना करें। मेरा ये प्रोग्राम अगर आपने पूरा देखा है और अगर आपको किसी सवाल के जवाब की समझ नहीं आई या कोई भी बात आपके माइंड में है और आप पूछना चाहते हैं हमसे, मैं इशफाक साहब रोज डेली धरती का इनबॉक्स चेक करेंगे, आपके मैसेजेस का हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे ताकि हम लोग जो है आपकी जिंदगी को रोशन कर सके। इसी के साथ मुझे और इशफाक साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।